होता है, तालीम याफ्ता, तहजीब याफ्ता और ताकतवर माशरों में होता है। और जो टैक्स दे रहा है, इस मुल्क को चला रहा है, उसकी वफादारी पे शक करने, जो शक करता है उसकी वफादारी खुद मशकूक समझी जानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये शहर की रौनकों के साथ पूरे पाकिस्तान की रौनकें आबाद हैं, और मौजूदा हुकूमत कोशिश भी कर रही है और उसको चाहिए भी कि इस शहर को उसका जायज़ हक और जायज़ मुकाम दिया जाए। मैं दुआ करता हूँ कि ये दूसरी इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट फेयर से कराची में बिजनेस आएगा। कराची में बिजनेस आने का मकसद है कि पाकिस्तान के टैक्स में इजाफा होगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ मुंतजमीन को कि जिन्होंने मुसलसल दूसरे साल ये अहम और कामयाब फेयर का इंतज़ाम किया, एहतमाम किया, और उम्मीद करते हैं कि कराची में इस तरह की बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस आकर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, पाकिस्तान का तरक्की याफ्ता और तालीम याफ्ता चेहरा और तहजीब याफ्ता चेहरा दुनिया को दिखाया जा सके। आपने ये कहा कि ये शहर जो है ये 70% रेवेन्यू देता है, मुल्क चला रहा है, तो अभी आप हुकूमत का हिस्सा, तो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है जो शहर की बेहतरी के लिए इस वक्त शुरू है जो शहरियों को यहाँ से? ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि ये शहर अभी भी उम्मीदों, वादों और दुआओं की जद में है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल इसकी इस उम्मीदों को पूरा होने और यकीन में इजाफे का बाइस बनेगा और शहर को जायज़ मुकाम मिलेगा। और इसका इसके पे कानून साजी भी होनी चाहिए। 18वीं तरमीम के ज़रिए डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बजाय एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हुआ है, उसको बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। जी मेरा ख्याल है अभी दो रोज़ तीन रोज़ पहले इस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है और पीर को फिर है इस पर मीटिंग। कुछ कानूनी तकाजे थे उसको पूरा कर लिया गया है और कुछ रुकावटें जो बीच में तरामीम हुई हैं उसकी वजह से हुई थी उसको भी, उसके लिए भी कानूनी रास्ते निकाल लिए गए हैं। और ये कानूनी पेचीदगियाँ हटने के बाद अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर बड़ी अफसोस की बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कल ही ऐलान किया है कि वो केपीके और पंजाब में नया बलदाती निज़ाम ला रहे हैं, क्या सिंध पाकिस्तान में नहीं है, क्या कोई आइन में ऐसा रास्ता नहीं है कि यहाँ नया निज़ाम लाया जाए? देखिए, हमने तो इस तरह का एक तरमीम कौमी असम्बली में पेश कर दी, अपने हिस्से का हमने काम कर दिया है। अब ये ऐवान की अक्सरियत का फैसला है जिसको कि होना बाकी है। और पूरे पाकिस्तान में अगर हम चाहते हैं एक ही तरह का बलदियाती निज़ाम हो तो इसका फैसला कि किस तरह का बलदियाती निज़ाम हो, ये मेरे ख्याल है इसका हक वफाक के पास होना चाहिए, सूबों के पास नहीं। थैंक यू।